हाउ आर यू। आज हम करेंगे सिक्स क्लास का मैथ चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12.3 पेज नंबर 256 यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जैसे इसके नाम से ही पता चलता है एक यूनिट की हमने वैल्यू पता करनी है, वो ही फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट ओनली। ओके, तो यूनिट में मतलब ये है कि जैसे 100 रुपये में 10 पैकेट लेस आते हैं तो एक पैकेट कितने का आया, ये देखो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 10 पैकेट जो है वो 100 रुपये में आए, ठीक है। एक पैकेट कितने का आया, 10 रुपये में। ओके, जैसे आपको रजिस्टर मिले हैं 10 रजिस्टर जो है 1000 रुपये में है तो एक रजिस्टर की कॉस्ट कितनी हो गई, 100 रुपया, ठीक है। ये हमें एक यूनिट का पता करना है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी। आज हमारा क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 4 dozen बनाना इज ₹60। उसने कहा है 60 रुपये जो है वो 4 दर्जन बनाना की है। एक डजन में कितने होते हैं, 12। ये आपको पता होना चाहिए तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नो। 4 dozen बनाना जो है वो 60 रुपये में, मतलब 4 dozen कितने हो गए, 48। बनाना जो है वो कितने में है, 60 रुपये में। तो हमने कितने 12 रुपये 50 पैसे में कितने बनाना आएंगे। ओके, यस इतना है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 4 dozen बनाना इक्वल टू 48 बनाना। कैसे आए हैं ये आपको पता लग गया, 4 × 12। ओके, अब फर्स्ट क्या है, बनानास परचेस्ड इन ₹60 इज इक्वल टू, 60 रुपये में उसने कितने बनाना लिए हैं, 48। आगे बनानास परचेस्ड इन ₹1, ये कॉमा मैंने डाल दिया, आपने कॉपी पे वही लिखना है, बनानास परचेस्ड इन ₹1, 48 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब बनानास परचेस्ड इन ₹12.50, ये देखो 48/60 गुना 12 रुपये 50 पैसे, हमने ऐसे कर दिया 100, ये हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब 5 से यहाँ मल्टीप्लाई 12 आ गया, यहाँ पे 5 × 10 = 25 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 100/10 बनानास, यहाँ पे बनानास लिखने हैं, 60 रुपये में 48 बनाना, एक जो है 48/60 12 रुपये 50 पैसे में 10 बनानास जो है आएंगे। ओके,